7 साल के एक बच्चे को सोमवार को झांसी पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसएसपी ने अपनी कुर्सी दे दी। एसएसपी शिवहरी मीणा ने बच्चे सूर्यांश को अपनी कुर्सी पर बैठाया और खुद बगल की कुर्सी पर बैठकर उसकी खातिरदारी की। बच्चा काफ़ी देर तक एसएसपी की कुर्सी पर बैठा उछल कूद करता रहा। एसएसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारी इस बच्चे की खुशामद में लगे रहे। पुलिस लाइन सभागार में काफ़ी समय तक यह नज़ारा कौतूहल का विषय बना रहा। दरअसल यह बच्चा एक महिला के साथ यहाँ आया था। महिला अपने पति के खिलाफ शिकायत करने आई थी। इस दौरान बच्चे को कुर्सी के पास खड़ा देख एसएसपी ने इसे कुर्सी पर बिठा दिया। ये पति पत्नी के बीच में झगड़ा था। अभी जब मैं पुलिस लाइन पहुँचा तो युवती मेरे पास आई, उसका बच्चा भी उसके साथ था। युवती की बात सुनी गई है, आपस में पति पत्नी के बीच में झगड़ा है, पति को बुलाया गया है। युवती से बात भी हमने करी है कि वो क्या चाहती है, तो उसने बताया कि मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि पति को बुला के समझा दिया जाए। युवती को अभी फ़िलहाल पुलिस लाइन में ठहरा दिया गया है, उसको खाना खिलाया जा रहा है और पति को बुलाया जा रहा है। दोनों पति पत्नी के बीच में बैठ के समझौता करवाया जाएगा। अगर वो नहीं कर पाते हैं, कोई इशू रहता है, तो उनकी काउंसलिंग की जाएगी और उसके बाद भी अगर युवती नहीं मानती तो जो विधिक प्रक्रिया है उसको संपन्न करवाया जाए। बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ बच्चा।